नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का कुक हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों आज है होली, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली आप सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आए, मेरी यही कामना है भगवान से। दोस्तों वैसे मैं रहता तो अकेली हूं, मैं ज्यादातर टाइम अकेली बिताता हूं अपनी लाइफ का, लेकिन आप सब जैसे मेरे हजारों दोस्त हैं, हजारों हैं जो मुझे इतना प्यार देते हैं, तो मैं अपने आप को अकेला नहीं समझता। मुझे बहुत खुशी मिलती है, हर टाइम मैं एंजॉय करता हूं क्योंकि मेरे साथ आप सब हैं। वैसे एक बात, अकेले रहने की बात पे एक बात ये याद आ गई मेरी कि जिसे अकेले रहने में खुशी मिलती है वो समझ लो एकदम अच्छे रास्ते पे चल रहा है, सही जा रहा है वो। और जिसे अकेले रहने में घुटन सी फील होती है, बोरिंग होती है, वो समझ लो गलत ट्रैक पे चल रहा है। क्योंकि अकेले ही तो मौका मिलता है कुछ सीखने का, कुछ करने का और आगे बढ़ने का। तो ऐसे एक कहावत भी है कि जो अकेले चलता है कभी उसके पीछे पूरी काफिला चलती है, तो ये सच भी है। तो अकेले रहो आप, मेहनत करो, खुशी मिलनी चाहिए आपको अकेले में और अच्छा लगना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अकेले में एकदम, क्योंकि मेरे साथ वैसे तो आप सब हो, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। और इस होली एक खुशियों का त्यौहार है दोस्तों, ये होली और ये प्यार का त्यौहार है रंग बिरंगी। तो एक छोटा संदेश मेरा ये है कि हमारे जो देश है ना, ये काफी खूबसूरत सा देश है, ये विविधताओं से भरा हुआ देश है ये, लेकिन हमारे इस प्यारे से देश में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे जातिवादता, धर्मवादता, इन सब जैसी प्रॉब्लम है, नफरत है, कहीं कहीं पर दिखता है। और इसका जिम्मेदार देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर कोई, कोई एक नहीं है। लोग भले ब्लेम करें कि वो है इसका जिम्मेदार, वो है इसका जिम्मेदार, लेकिन मैं इसको देखता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं हर कोई जिम्मेदार है। वो किसी और के लिए गलत है तो वो किसी और के लिए गलत है, वो किसी और को नीचा दिखाता है तो उसको कोई और नीचा दिखाता है। बस यही चल रहा है हमारे यहां, और यही सब प्रॉब्लम मिला के बहुत बड़ी नफरत सी फैल चुकी है। हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पे अच्छा है, कहीं कहीं पे नहीं है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, अंदर भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर से नहीं है तो अंदर भी नहीं होना चाहिए, मैं ये सोचता हूं। सब में प्यार होना चाहिए, तो इस होली हमें एक संकल्प करना है हम सबको मिलके कि ये ऐसा खत्म करना है। ये कुछ पॉलिटिशियन भी इसका फायदा उठाते हैं, जाति का नाम जो भी पॉलिटिशियन ले उनको हमें बहिष्कार करना है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, ये समझना है। वो दोस्त नहीं हो सकता हमारा, हमारे क्यों नहीं हमारे कास्ट का हो, लेकिन हमारा दोस्त तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे लोग हमारे चाहने वाले नहीं है, हमें समाज को बांटने वाले हैं ऐसे लोग, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है। बाकी सब कुछ सही है, मुझे मालूम है सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है किसी और को ब्लेम देते हैं लोग कि वो गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं। मैं देखा हूं सब गलत है, आप खुद सोचना कि आप गलत हो कि नहीं हो। किसी और को आप नीचे समझते हो, आपको कोई और समझता है, बस इतना ही है, लेकिन है तो इसलिए गलतियां सब में है, तो हमें उसको बदलना है, किसी और को ब्लेम नहीं करना है। तो बस यही छोटा सा एक संदेश इस होली, और इस होली बस यही कहूंगा कि आप सबके जो सपने हैं वो अपने हो जाएं, आप सबकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आएं, बस यही। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, वंस अगेन हैप्पी होली आप सभी को। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।